उमेश पाल अपहरण केस में आ जाएगा फैसला। अतीक और अशरफ की पेशी को लेकर कोर्ट में फोर्स तैनात। अतीक अहमद को फांसी की सजा दिलाई जाए, उमेश की पत्नी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि कोर्ट में मैं यही उम्मीद करती हूं कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाए। जब तक जड़ खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। हम डर के साए में जी रहे हैं। उधर प्रयागराज में उमेश पाल के आवास के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो, उमेश की मांग। फैसले से पहले प्रयागराज में उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है। जेल उसका घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है। प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो। बदमाशों ने 24 फरवरी को उमेश की हत्या की थी। उमेश सुनवाई के बाद तकरीबन 4:30 बजे जैसे घर पहुंचे, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में भी अतीक अशरफ, अतीक के बेटे सहित उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 28 फरवरी को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर से कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा गया है। जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई है इसी केस के सिलसिले में वे कोर्ट से ही लौटे थे। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को 2 महीने में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। उसके बाद से ही उमेश पाल अपहरण कांड में रोजाना सुनवाई होने लगी। 24 फरवरी को जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई इसी केस के सिलसिले में वे कोर्ट से ही लौटे थे। उस दिन बचाव कक्ष की ओर से बहस हो रही थी। उमेश पाल ने केस की सुनवाई जल्दी पूरी करने की मांग की थी। इसके बाद अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए, जिसमें खुद उमेश पाल और उसके एक रिश्तेदार के अलावा 2 जांच अधिकारियों के साथ 6 पुलिसकर्मी शामिल थे। पक्षकारों की तरफ से अतीक अहमद, अशरफ सहित अन्य आरोपी अपने बचाव के लिए कुल 54 गवाह पेश किए गए थे। केस की सुनवाई में देरी होने पर वादी उमेश पाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केस की सुनवाई जल्द पूरी करने की मांग की।